हबीबी कम टू भरवा। हम आ चुके हैं भरवा घाट के पास और यहाँ पे देख सकते हो वहाँ पे ऊंचा, यहाँ अपना सेफ्टी का ध्यान खुद रखेंगे, यहाँ सब प्रायोरिटी है। जो जंप कर रहे हैं उसको वहाँ का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, उस साइड का कैसा उसका क्या व्यू है। ये सांप घुसा हुआ है बड़ा सा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो बहुत दिनों के बाद हम फिर से एक ब्लॉग लेके आए हैं बोकारो का सबसे वायरल प्लेस। क्या जाने वाले हैं भड़वा घाट, जबकि बहुत ज्यादा आपने रील देखा होगा भड़वा घाट का, इसलिए हम जाने वाले हैं भड़वा घाट आपको दिखाने के लिए। ऐसे तो आपने बहुत देखा होगा यहाँ का व्यू भड़वा घाट का, चलेंगे आपको कैसे जाना है यहाँ पे बताएंगे सब कुछ पूरा डिटेल के साथ, वीडियो साथ बने रहिएगा। चलिए मेरे साथ, तो यहाँ से अभी हम आ गए हैं एक केपी टावर है और यहाँ से सेक्टर 9 से हम आए सीधा। सेक्टर 9 से लास्ट में आपको यहाँ से मुड़ना है, टर्निंग है केपी टावर के पास, वहां से आपको उससे पहले टर्निंग आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कुमार टोली चौक, तो वहां से आपको सीधा यहाँ टर्न करना है राइट और सीधे आपको अंदर जाना है। चलिए दिखाते हैं वो रास्ता यहाँ अंदर तक का, चलिए बने रहिएगा ब्लॉक के साथ। जैसे आप घुसेगा यहाँ देखिए आपको टंकी दिखेगा, टंकी से सीधा आपको जाना है और आपको कच्चा रास्ता यहाँ से मिलेगा, देख सकते हो यहाँ से मिल रहा है कच्चा रास्ता और यहाँ से आपको सीधा जाना है। चलिए दिखाते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे आपको रास्ता का कैसे कैसे जाना है। इधर यहाँ से कच्चा रास्ता जैसे यहाँ पे यहाँ खत्म होता है, फिर आएगा एक पक्का रोड इस तरह दिखेगा आपको, फिर यहाँ से भी सीधे आपको जाना है। तो देख सकते हो यहाँ पर गांव जैसा है पूरा एकदम इलाका, इधर गांव ही है, ये गांव जैसा नहीं गांव है इधर पूरा, ये यहाँ से सीधे जाना है आपको। फिर आने के बाद फिर यहाँ से आपको लेफ्ट मुड़ना होगा, लेफ्ट मुड़ने के बाद सीधा फिर यहाँ से रास्ता मुड़ जाना है आपको। तो आपको हर एक टर्निंग का भी अपडेट देते रहेंगे जैसे ब्लॉग के साथ, बने रहिएगा इन तक और वहाँ का तो आपको दिखाएंगे बहुत सुंदर व्यू जो आपने अब तक रील में देखते आए हैं, और यहाँ भी दिखाएंगे आपको किस तरह से यहाँ का भड़वा घाट है और कैसा है यहाँ का व्यू। तो इधर पूरा जंगल वंगल भी है एकदम, और काफ़ी सुंदर लग रहा है इधर नज़ारा, और मौसम भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, मतलब आज मौसम अच्छा है तो आज मज़ा भी आएगा बहुत। चलते देखते हैं, वहाँ भीड़ तो मतलब कम ही होगा आज, क्योंकि संडे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। ये देख सकते हो रेलवे ट्रैक, और यहाँ से रेलवे ट्रैक के बाद आएगा एक टनल आएगा, इसमें से क्रॉस करना है। ये देख सकते हैं टनल और यहाँ से क्रॉस कर, ये देख सकते हो पूरा गांव है इधर, और मिट्टी का भी घर दिख रहा होगा आपको और कपड़ा का एल्वेस्टर का जो से गांव में हुआ करता था। एक किलोमीटर टर्निंग रन चलने के बाद तो यहाँ से एक टर्न है, यहाँ से आपको लेफ्ट मुड़ जाना, राइट मुड़ जाना है, जिस तरह से यहाँ मुड़ना है आपको। फिर आप देखिए कच्चा रास्ता दिखेगा, बस यहाँ से कुछ ज्यादा दूर नहीं है, बहुत ही नजदीक आ चुके हैं, बस यहाँ से आ जाएगा भड़वा घाट। चलिए वहाँ चलते हैं, काफी लोग यहाँ जा भी रहे देख सकते हैं, देख सकते हैं गाइस काफी खूबसूरत सा व्यू है यहाँ पे, काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ उधर प्लांट दिख रहा होगा आपको, बस यहाँ से कुछ ही दूर पे ही है भड़वा घाट। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भड़वा घाट, देख सकते हैं यहाँ का खूबसूरत सा नजारा। हबीबी कम टू भड़वा घाट, हम आ चुके हैं भड़वा घाट के पास और यहाँ पे देख सकते हैं काफी ज्यादा भीड़ है अभी यहाँ पे, और यहाँ का व्यू भी बहुत ही अच्छा है, और वाटर पार्क से तो अच्छा है, और वाटर पार्क में आपको पैसा भी लगेगा, यहाँ पे फ्री है एकदम सब कुछ, बस आपको पार्किंग लगेगा गाड़ी का और कुछ नहीं। और बस यहाँ पे हम अभी से नहीं 2017 से आ रहे हैं, और अभी ये इस ट्रेंडिंग की वजह से ज्यादा फेमस हो चुका है, वायरल हो गया है सोशल मीडिया की वजह से, इसलिए बस लोग यहाँ बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं। और कुछ खास बात नहीं है, यहाँ पे है बहुत ही अच्छा जगह नहाने लायक, और देख सकते हैं लोग यहाँ बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, धनबाद से रांची से बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ इंजॉय भी कर रहे हैं, तो हम लोग भी जाएंगे यहाँ पे इंजॉय करेंगे और आपको इंजॉय करते हुए वीडियो दिखाएंगे, और यहाँ पे लोग कैसे इंजॉय कर रहे हैं वो भी दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं पानी के अंदर, मजा इंजॉय करते हैं, चलिए लेट्स गो। इस तरह कुछ रास्ता है यहाँ थोड़ा सा स्लीपर है, देख सकते और ये देख सकते हो गाइस यहाँ से व्यू काफ़ी खूबसूरत है, देख सकते हो पानी बस यहाँ पे तो बहुत कम है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे पानी बढ़ता जाएगा लेवल, और यहाँ देख सकते हो यहाँ पे आप स्लाइडिंग भी कर सकते हो ऊपर से, लेकिन जैसे उस साइड में बहुत ज़्यादा गड्ढा है, थोड़ा डेंजरस है उधर,
जिसको तैरना आता हो वही लोग उधर जाते हैं उधर, बाकी तो इधर सब नहाते हैं। यहाँ पे डूबने लायक बिल्कुल भी नहीं है जैसे आप देख सकते हो। तो चलिए दिखाते हैं आपको वहाँ पे कैसा भीड़ है वहाँ, मतलब कैसा गड्ढा है सब कुछ। तो जैसे तो थोड़ा यहाँ स्लिप कर रहा है, थोड़ा समय समय चलना पड़ रहा है यहाँ पे। वाटर पार्क से कम है क्या इस जगह भाई, वाटर पार्क से कम है क्या ये, अब क्या चाहिए इससे अच्छा। फ्री का वाटर पार्क है, ये नेचुरल वाटर पार्क है यहाँ का। यहाँ भाई 5 फीट तक का गड्ढा है यहाँ पे बस, और आगे कुछ ज्यादा गड्ढा नहीं है, तो यहाँ पे डूबने लायक जगह बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे काफी लोग एंजॉय कर रहे हैं और मजा भी आ रहा है सच में, यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा। नजारा काफी खूबसूरत है, हम लोग जा रहे हैं उधर देख सकते हैं, उधर काफी लंबा दूर तक है यहाँ पे, और इंजॉयमेंट का तो पूछिए मत, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है इधर। और देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइड का तो कमी ही नहीं है, आप जितना मतलब स्लाइड कर सकते हो। हम आए हुए यहाँ पे और ना तो हम इधर आते ही नहीं, इसको तैरने आते इसके वजह से हम इधर आ चुके हैं। और देख सकते हैं आप थोड़ा पकड़ के चल रहे हैं इसको ताकि कहीं बह ना जाए इधर, क्योंकि पूरा पत्थर है इस आगे में, जहाँ भी आगे गए माथा वाथा फट सकता है। और ये देख सकते हो यहाँ, ओ भाई साहब क्या एकदम मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन। तुला हिंग का ही दशा है, यहीं से कहानी का शुरुआत नहीं मास्टर। ये सांप घुसा हुआ है बड़ा सा, देख सकते हो और है गाइस, और है वो बड़ा सा घुसा हुआ देख सकते हो, निकला। अभी हम लोग जा रहे हैं आगे वहाँ ऊंचा के पास, देख सकते हैं वहाँ ऊंचा है। बहुत ज्यादा स्लिप कर रहा है, यहाँ देखो दूर दूर से लोग आ रहे हैं, काफी दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, काफी ज्यादा मजा आ रहा है। बार इस बार पांचवा बार, हम पहला बार आ रहे हैं इस साल में, काफी ज्यादा बार होने के बाद, इससे पहले तो बहुत बार आ चुके हैं 2017 से, वो तो आ रहे हैं यहाँ पे 2017 से, इस बार ज्यादा ही वायरल हो गया है वीडियो, तो इस बार बनाना पड़ेगा वीडियो। और पानी का लेवल थोड़ा सा ब्रश बढ़ा हुआ पहले से आता, अरे उससे पहले हम लोग आते थे वहाँ पूरा पानी आता ही नहीं था पहले तो, अभी थोड़ा सा पहले से बढ़ा है, लेकिन पहले वहाँ भी पानी नहीं आता था उस साइड में, बस उतना ही दूर पानी आता था। हाँ ऊपर नहीं चढ़ेंगे, वहाँ बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है जो, और अभी तो खैर बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं होता था एकदम लास्ट तक यहाँ का, उधर से लेके इधर वहाँ से लेके यहाँ तक कम कम लास्ट तक आ गए थे यहाँ पे, थोड़ा सा गंदा पानी उधर थोड़ा सा, इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि पानी बहुत ही कम बह रहा है, इसकी वजह से पानी थोड़ा गंदा है उधर। वहाँ देख सकते ऊपर कुछ लोग हैं और वहाँ पर डैम है एक छोटा सा, तो पानी जब बढ़ता है तो खोल देते हैं वो लोग वहाँ पे, और उस साइड देख रहे हो वहाँ पे स्टोर लगा हुआ है खाने पीने का, और उधर से भी लोग आ रहे हैं।
और बस अब हम जा रहे हैं, फिर जहाँ से आए थे वहीं पे जा रहे हैं, और वहाँ ज़्यादा मज़ा आ रहा है इधर से, क्योंकि वहाँ कुछ ज़्यादा ही बहाव है पानी का, और स्लाइड भी वहाँ ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो थोड़ा सा गंदा पानी है इस साइड में, इस साइड थोड़ा सा छोटा थोड़ा गंदा पानी है, उतना भी गंदा नहीं है बट है, उसका ज़्यादा मज़ा आ रहा है उस साइड में। चलते उधर ही, बहुत ही ज़्यादा स्लीप कर रहा है यहाँ पर, मज़ा भी आ रहा है गाइस। देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, ये बहुत कम है पहले से, अभी तो बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है, मौसम अच्छा है, ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ। खैर हम लोग क्या, हम लोग तो इंजॉय कर रहे हैं, जितना ट्रिप कर रहे हैं तो चलिए नीचे में चलते हैं आगे, जहाँ से ऐसी बातों से कुछ होता है, देख लो वहाँ पे ऊंचा, वहाँ सब जो जंप कर रहे हैं उसको, वहाँ का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, उस साइड का कैसा उस साइड का व्यू है। और जो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ऊपर से यहाँ से भी जंप कर रहे हैं लोग, देख सकते हो काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, और मजा भी बहुत ज्यादा आ रहा है देख सकते हैं। और मेरा आईफोन का टेस्टिंग हो गया, वाटर टेस्टिंग, काफी ज्यादा पानी में डुबा चुके हैं फोन को, हम अभी तक कुछ हुआ नहीं है फोन को, बहुत ही अच्छा चल रहा है, फाइन चल रहा है, पानी में डुबा डुबा के वीडियो शूट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, मजा आ रहा है। जादू का जादू छाने दे, यहाँ पे आ रहा है उधर से लोग आए थे, दिल मेरा पागल है जाना, इश्क तुम बहला दो, दिल में क्यों हलचल है जाना, मुझको तुम समझा दो, मैं का जो आंचल है जाना, इश्क तुम लहरा दो, जुल्फ जो बादल है जाना, मुझ पे तुम बरसा दो, जाना लेके जाया है तेरा ये दीवाना, जाना तुझ पे मिट जाएगा तेरा ये परवाना, जाना मेरे दिल में क्या है ये ना जाना, जाना तुझको याद आएगा मेरा ये अफसाना, देखो क्या ये ना डाले मेरी वाली, ये तुम्हारे हर किस्त में कैसे गुम, से दिल के दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। यहीं से कहानी की शुरुआत हुई मास्टर, लेकिन एक सेकेंड ऊपर का व्यू, वहाँ से कहाँ इतना कहाँ से पानी आ रहा है, और यहाँ से देखिए सीधा यहाँ से कुछ लोग यहाँ पे छलांग मार रहे हैं, यहाँ से पूरा हाई जंप से, यहाँ पे कटाई बहुत ज्यादा है, और इधर देख सकते हैं काफी लोग इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, और इधर पानी का कम आराम से मस्त, मतलब कि कोई भी आ सकता है यहाँ पे, बच्चा से लेकर जवान बूढ़ा सब यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, और दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे और काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग भी आइए और यहाँ इंजॉय कीजिए, बहुत ही मजा आएगा, अभी ठंडा थोड़ा सा बारिश भी हो गया, थोड़ा मौसम भी अच्छा हो गया, तो मजा और ज्यादा आ रहा है, आप लोग भी आइए और एंजॉय कीजिए, बहुत मजा आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूले, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग, इस तरीके का ब्लॉग आपको लाता है बुकारों का अपडेट और ट्रैवलिंग ब्लॉग, वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट ट्रिप के साथ, गुड बाय। भाइयों बहनों मैं नहा कर साबुन उबुन लगा कर पूरा एकदम फिट हूँ, मैं तालाब के सामने हूँ भाई साहब और नहा रहा हूँ, माँ कसम सख क्या।